हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग विद सलोनी। तो प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 1 रियल नंबर्स से स्टार्ट करा, जिसके अंदर इंट्रोडक्शन का पार्ट हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। इस क्लास में हम एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। सारे नंबर को, मतलब जितने भी नंबर्स यहाँ पे गिवन है, सबका हमें क्या निकालना है? प्राइम फैक्टर्स। अब इंट्रोडक्शन में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देखी थी, सेम वही हमें फॉलो करना है। फर्स्ट है हमारे पास 140 के हम फैक्टर्स निकालेंगे। 140 किससे जाएगा? 2 से जा सकता है। 2 7 जा 14, 0 का 0। अगेन ये 2 से डिविजिबल है। 2 2 3 जा 6, 1 2 5 जा 10। अब 35 2 से नहीं जाएगा, तो किससे जाएगा? 3 से नहीं जाता, 5 से जाएगा। 5 7 जा 35, और 7 तो खुद ही प्राइम नंबर है, तो क्या होगा? 7 जा 7। तो 140 के फैक्टर्स क्या निकल के आए? 2 2 5 और 7। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट है 156। सेकेंड पार्ट है 156। 156 के हम फैक्टर्स निकालेंगे। 156 6 लास्ट में इवन है, मतलब हम 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। 2 फैक्टर है 156 का। 2 7 जा 14, 1 2 8 जा 16। आगे बढ़ते हैं। अगेन ये 2 से डिविजिबल है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब ये आ गया 39। ये 2 से डिविजिबल है क्या? नहीं। यहां पर ये किससे डिवाइड हो सकता है? 3 से। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब 13 आ गया। 13 कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर किससे डिवाइड होगा? प्राइम नंबर इटसेल्फ, मतलब 13 1 जा 13। तो 156 के फैक्टर्स हमने फाइंड करे क्या है? 2 2 3 और 13। यहां तक क्लियर है? फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमने देखा, जो कि बहुत ही इजी था। आगे बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट है 3825। अब 3825 है, लास्ट में क्या आ रहा है? ऑड नंबर, मतलब ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो हम इसे क्या करेंगे? ऐड करेंगे। 8 9 10 5 15 3 18। 18 3 से डिविजिबल है, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे इसे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 रिमेनिंग। 3 7 जा 21, 1 रिमेनिंग। 3 5 जा 15। अब अगेन हम इसे ऐड करते हैं। 5 7 12 13 14 1 15। 15 आ रहा है, 3 से डिविजिबल है। 3 फैक्टर इसका। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब यहां पे हम इसे ऐड करते हैं। 5 4 9 10 11। 11 3 से डिविजिबल नहीं है, तो हम आगे बढ़ेंगे। ये 5 से डिविजिबल है। 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। अगेन ये 5 से डिविजिबल है। 5 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। 17 आ गया, मतलब प्राइम नंबर। वो प्राइम नंबर नंबर इटसेल्फ से ही डिवाइड होगा, तो 17 1 जा 17। तो यहां पे 3825 के फैक्टर्स क्या है? 3 3 5 5 17। और इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 17। किसी भी फॉर्म में लिख के आ सकते हैं, इस फॉर्म में या इस फॉर्म में। नेक्स्ट आ जाते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ है 5005। अब 5005 यहां पे दिख रहा है, 5 प्लस 5 10 हो रहा है, मतलब 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 5 से डिवाइड होगा। 5 1 जा 5, 0 0 1। अब 1001 आ गया, ये 5 से डिविजिबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तो 7 से चेक करते हैं। 7 से क्या ये डिवाइड हो जाएगा? 1001 7 7 1 जा 7, 3 रिमेनिंग बचा, ऊपर से 0। 7 4 जा 28, 2 रिमेनिंग बचा, 1। हाँ, ये डिविजिबल है। 7 3 जा 21। तो 7 से कितने टाइम डिविजिबल है? 143 टाइम्स। अब चेक करते हैं, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 7 से डिवाइड नहीं होगा। 7 2 जा 14 आ जाएगा, 3 रिमेनिंग बचा। 11 से दिख रहा है डिवाइड होगा, तो 11 1 जा 11, 3 रिमेनिंग। 11 3 जा
13 क्या है प्राइम नंबर, तो 13 से ही 13 बन जाए 13। तो 5005 के हमारे पास फैक्टर्स आए 5, 7, 11 और 13। यहाँ पे हमारे 4 पार्ट्स कंप्लीट हो गए। अब क्या है 5th पार्ट, यहाँ पे करते हैं। 5th पार्ट है हमारे पास 7429। 7429 है, इसको हम किससे डिवाइड कर सकते हैं? यहाँ पे आप पहले ऐड करते हैं इसे, 9 और 7 16, 16 और 4 20, 22, 22 3 से डिविजिबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 9 आ रहा है तो 7 से, 7 7 7 6 42, लेकिन 9 डिविजिबल नहीं है। अब किससे देखें, यहाँ पे 11 से देखें, 11 6 66 हो जाएगा, 8 बचा, 11 7 77, 5 59 नहीं, 11 से भी डिविजिबल नहीं है। तो ऐसे ही आप चेक करोगे तो ये डिवाइड होगा 17 से, 17 से हम इसे डिवाइड करेंगे 17 के लेवल में 74 आता है क्या? नहीं, उससे छोटा, 17 4 जा 68 होता है, कितना रिमेनिंग बचा 6 62। अब 62 17 के टेबल से डिविजिबल है क्या? नहीं, तो उससे छोटा देखेंगे, 17 के टेबल में 62 से छोटा आता है 51, तो ये कितना हो जाएगा 17 3 जा 51। अब कितना बचा यहाँ पे 11 119, तो 17 7 जा होता है 119। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो यहाँ साइड में हम डिवाइड करके देख लेंगे, 7 4 2 9 था, 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 4 जा 68, यहाँ पे 74 माइनस 68 करा तो 6 बचा, ऊपर से 2, 17 3 जा 51, दोनों को माइनस करा तो कितना बचा है 11, ऊपर से 9 आया, 17 7 जा 119, कैंसिल हो जाएगा, तो 437 टाइम में डिविजिबल है। अब अगेन इसे हम 3 से चेक करते हुए चलेंगे, ये 3 से डिविजिबल है क्या, 7 से है क्या, 11 से है क्या, तो ये जाएगा 19 से ये डिविजिबल है। 19 के टेबल में 43 आता है क्या? नहीं, उससे छोटा क्या आता है, 19 2 जा 38। अब कितना बचा 5 57, 19 के टेबल में 57 कितने टाइम आता है, 3 टाइम, 23 तो प्राइम नंबर है, तो किससे जाएगा 23 से ही, 23 बन जा। तो यहाँ पे 7429 के फैक्टर्स हमारे पास आए 17 19 और 23। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमने क्या निकाले, प्राइम फैक्टर्स निकाले सारे नंबर्स के। फर्स्ट हमने 140 का निकाला जिसके फैक्टर्स आए 2 × 2 × 5 × 7, और कैसे लिख सकते हैं हम इसे, 2 का स्क्वायर × 5 × 7। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट था 156, 156 के फैक्टर्स आए 2 × 2 × 3 × 13। थर्ड 3825 के फैक्टर्स हमारे पास आए 3 × 3 × 5 × 5 × 17। और फोर्थ 5005 के फैक्टर्स आए 5 × 7 × 11 × 13। नेक्स्ट फिफ्थ क्या है 7429, इसके फैक्टर्स आए 17 × 19 × 23। यहाँ पे जब भी किसी नंबर से अगर डिविजिबल नहीं हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो प्राइम नंबर से डिवाइड करने की कोशिश करो, प्राइम नंबर से डिवाइड हो ही जाता है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यहाँ पे हमें क्या बोला है, सबसे पहले इन दो नंबर्स का हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है और वेरीफाई करना है हमें कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। फर्स्ट लेते हैं, फर्स्ट है हमारे पास 2691, इसका हम पहले निकाल लेते हैं एलसीएम, एलसीएम ऑफ 26 एंड 91। यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम जब भी निकालते हैं तो दोनों नंबर्स का साथ में निकालते हैं, और एचसीएफ जब निकालते हैं तो दोनों नंबर्स को सेपरेटली फाइंड करते हैं। यहाँ पर 26 और 91 है, 26 डिविजिबल है 2 से, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 91 डिविजिबल नहीं है तो ये एज इट इज। अब 13 और 91 है, 13 तो 13 के टेबल से जाएगा,
91 7 से जा सकता है, तो 13 तो एज इट इज रहेगा, 7 जा 7 2 7 3 जा 21। अब ये प्राइम नंबर है तो 13 से ही डिविजिबल है, 13 1 जा 13 13 1 जा 13। तो एलसीएम क्या आया 26 एंड 91 का 2 × 7 × 13। अब तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 2 जा 14 14 3 जा 42 14 1 जा 14 और 4 18 182। अब फाइंड करेंगे हम एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91। 26 के फैक्टर्स निकालेंगे, 2 1 जा 2 2 3 जा 6 और ये 13 से डिविजिबल है। अब 91 के फैक्टर्स निकालेंगे, ये 7 से 7 1 जा 7 3 जा 21 और ये 13 1 जा। अब दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, दोनों में कॉमन फैक्टर दिख रहा है हमें 13, तो एचसीएफ क्या हो गया 13। अब हमारे पास एलसीएम है एचसीएफ है, हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए पहले हम लेफ्ट साइड को लेते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम कितना आया 182, एचसीएफ कितना आया 13, मल्टीप्लाई करेंगे 182 × 13, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 3 1 जा 3 4 5, 1 2 जा 2, 1 8 जा 8, 1 1 जा 1, 6 6 13 2 2 3 6 2 3 6 2 3 6 2 3 6 2 3 6 2 3 6 2 3 6 2 3 6 2 3 6 2 3 6 2 3 6 2 3 6 2 3 6 2 3 6 2 3 6 2 3 6 2 3 6 2 3 6 2 3 6 2 3 6 2 3 6 2 3 6 2 3 6 2 3 6 2 3 6 2 3 6 2 3 6 2 3 6 2 3 6 2 3 6 2 3 6 2 3 6 2 3 6 2 3 6 2 3 6 2 3 6 2 3 6 2 3 6 2 3 6 2 3 6 2 3 6 2 3 6 2 3 6 2 3 6 2 3 6 2 3 6 2 3 6 2 3 6 2 3 6 2 3 6 2 3 6 2 3 6 2 3 6 2 3 6 2 3 6 2 3 6 2 3 6 2 3 6 2 3 6 2 3 6 2 3 6 2 3 6 2 3
ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, टू नंबर क्या है 26 और 91, 26 into 91 मल्टीप्लाई करेंगे 26 into 91, 1 6 जा 1 2 जा 9 6 जा 54, 9 2 जा 18, 18 plus 5 23, 6 6 3 2 क्या है ये 2366। दोनों इक्वल आ रहे हैं, LCM into LCF is equal to product of two numbers, hence verified है। ये दोनों इक्वल होना चाहिए, या फिर हम दोनों को ऐसे भी लिख सकते थे LCM into HCF is equal to product of two numbers। यहां पे हम लिखते हैं LCM 182, HCF 30 इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 26 into 91। इसको मल्टीप्लाई करा तो क्या आया 2366 इक्वल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो क्या आया 2366, दोनों इक्वल आ गए, हेंस वेरीफाइड। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में 510 and 92, सबसे पहले क्या करते हैं एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम ऑफ 510 and 92, यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे 510 और 92 का, दोनों 2 से डिविजिबल है, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। अब 255 2 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन 46 2 से डिविजिबल है, तो अगेन 2 से ये डिजिट एज इट इज लिख देंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब 23 तो 23 से ही डिविजिबल होगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है। अब हमें देखना है 255 जो है वो क्या 3 से डिविजिबल है, तो इसे प्लस करेंगे 5 और 10 प्लस 2 12, हाँ 12 डिविजिबल होता है 3 से, तो यहाँ लिखेंगे 3 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, ये 23 एज इट इज लिख देंगे। अब 8 और 5 13, 33 से डिविजिबल नहीं होता, तो क्या लेंगे 5 5 बचा 5, 3 बचा 5 7 जा 35, यहाँ 23। अब 17 प्राइम नंबर है, तो 17 17 से ही डिविजिबल होगा 23 एज इट इज। अब 23 प्राइम नंबर है तो 23 23 से ही डिवाइड होगा, तो ये 1 टाइम। यहाँ पे हमने सारे फैक्टर्स निकाले किसके, 510 और 92 के, ये हमारा एलसीएम आ गया। एलसीएम 2 into 2 into 3 into 5 into 17 into 23, अब सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 16, 16 into 17,
तो 17 सिक्स जा कितना होता है 102, वो 60 था तो 0 का 0 इंटू 23, 23 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 0 जा 0, 3 2 जा 6, 3 0 जा 0, 3 1 जा 3, 2 इंटू 0 0, 2 2 जा 4, 2 इंटू 0 0, 2 1 जा 2, 0 6 4 3 2, ये कितना आया 23,416. LCM of 510 and 92 क्या निकल के आया 23,416. अब हमें क्या फाइंड करना है HCF इन दोनों नंबर्स का. HCF of 510 and 92. अब क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों नंबर्स के फैक्टर्स सेपरेटली निकालेंगे. 510 के फैक्टर्स निकालेंगे, 2 से डिविजिबल है, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10. 255 किससे डिविजिबल है, 3 से, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15. 85 5 से, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, ये 17 से. अब 92 के फैक्टर्स निकालेंगे, ये 2 से डिविजिबल है, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये 23 बन जा. अब HCF में क्या देखते हैं हम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, यहाँ 2 है यहाँ भी 2 है, ये कॉमन है, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, 3 नहीं है ये कॉमन नहीं निकलेगा, 5 नहीं है कॉमन नहीं निकलेगा, 17 नहीं है कॉमन नहीं निकलेगा. तो HCF क्या आ गया हमारे पास, 2. हमारे पास LCM और HCF आ गया. अब फॉर्मूला क्या की बात है कि हमें वेरीफाई करना है LCM into HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के. यहाँ पे हम निकालेंगे LCM into HCF is equal to product of two numbers. LCM कितना आया 23,460, HCF कितना आया 2. इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 into 0 0, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 46,920. अब प्रोडक्ट करते हैं टू नंबर्स का और चेक करते हैं क्या वो भी इक्वल आ रहा है इस नंबर के. तो टू नंबर्स क्या है हमारे पास, 510 इंटू 90, 510 इंटू 92. अब दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 510 इंटू 92, 2 मल्टीप्लाई 0 0, 2 इंटू 1 2, 2 5 जा 10, 9 इंटू 0 0, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 0 2 9 6 4 सेम आ रहा है इक्वल 46920, मतलब हैंस वेरीफाइड. दोनों नंबर्स क्या हो गए इक्वल. यह हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया. आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा. यहाँ पे हमें क्या करना रहता है, एलसीएम फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है, दोनों को इक्वल में रखना है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और अगर दोनों इक्वल है तो ये वेरीफाइड हो गया है. इसी के हम थर्ड पार्ट पे चलते हैं. थर्ड और लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड का. लास्ट थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर टू का है, 336 एंड 54. ये दो नंबर से सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे. एलसीएम 336 और 54 का दोनों इवन नंबर से, 2 से डिविजिबल है, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, ये भी 2 से डिविजिबल है, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14. अब यहाँ पे 168 इवन है, ये 2 से डिविजिबल है, 27 2 से डिविजिबल नहीं है, तो इसे हम 2 से डिवाइड कर देते हैं 168 को, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 27 एज इट इज लिखेंगे. फिर 84 2 से डिविजिबल है, 2 4 जा 2 2 जा 27 एज इट इज रहेगा. फिर 42 2 से डिविजिबल है, 2 2 जा 2 1 जा 27 एज इट इज. अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है तो ये किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 9 3 से डिविजिबल है तो 7 एज इट इज, 3 3 जा 9. फिर 3 से डिविजिबल है, 3 1 जा 3, 7 एज इट इज. अब 7 7 से डिविजिबल है, 7 1 जा 7. हमारे पास LCM के फैक्टर्स क्या आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, फिर 3 3 टाइम, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7. अब सबको मल्टीप्लाई करके हम LCM निकाल लेते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ये 16 आ रहे हैं.
थ्री थ्री जा नाइन, नाइन थ्री जा 27, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 7 सिक्स जा 42, 7 जा 7, 4 11, 2 सिक्स जा 12, 2 जा 2 वन 3, 3 3 वन 4, 432 इंटू 7 करेंगे, 7 टू जा 14, 7 3 जा 21, 1 22, 7 4 जा 28, 29 30, क्या आया 3024, यह क्या एलसीएम ऑफ 336 एंड 54। अब हम क्या निकालेंगे एचसीएफ, सेपरेटली निकालेंगे, 336 का पहले निकालते हैं, ये कितना हो जाएगा 2 से 2 वन जा, 2 सिक्स जा, 2 एट जा, 2 से डिविजिबल 2 एट जा, 2 4 जा 8, अगेन 2 से डिविजिबल 2 4 जा, 2 2 जा, अगेन 2 से डिविजिबल 2 2 जा, 2 1 जा, अब 3 से डिविजिबल है, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। अब हम फैक्टर्स निकालेंगे 54 के, 2 से डिविजिबल है 2, 2 जा 4, 2 7 जा 14, अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब एचसीएफ में क्या होता है, हमें कॉमन फैक्टर फाइंड करना है, तो यहाँ पर 2 एक कॉमन फैक्टर है, उसके बाद यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, फिर 3 है यहाँ से 3, अब यहाँ 3 है यहाँ 7 है, दोनों कॉमन नहीं है, तो हमारे पास एचसीएफ क्या आया 2 और 3, 2 3 जा 6, ये हो गया एचसीएफ, हमारे पास एलसीएम आ गया, एचसीएफ आ गया। अब इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट में लिखती हूँ एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो एलसीएम क्या है 3024 इंटू एचसीएफ कितना आया 6, इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 336 इंटू 54, 336 इंटू 54। अब 6 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 6 4 जा 24, 6 2 जा 12 13 14, 1 का 1, 6 3 जा 18, अब इक्वल 336 मल्टीप्लाई करेंगे 54 से, 4 6 जा 24, 4 3 जा 12 13 14, 4 3 जा 12 1 30, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15 16 17 18, 5 3 जा 15 1 16, 4 8 9 10 11 6 7 1 8 1, 1 8 1 4 4, दोनों इक्वल हो गए, मतलब हैंस वेरीफाइड। तो यहाँ पे हमारे सेकंड क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन की तरह से ही वैसे ही है, हमें एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना है, किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, बस यहाँ पे क्या करना है हमें वेरीफाई नहीं करना है, बाकी सेम है। अब यहाँ पे बस क्या हुआ, तीन नंबर्स है हमारे पास, पहले हमारे पास दो नंबर्स थे, फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट क्या है 12, 15 और 21, फर्स्ट एलसीएम निकालते हैं फर्स्ट का 12, 15 और 21। यहां पर सबसे पहले 12 तो डिविजिबल है 2 से, बाकी ये दोनों 2 से डिविजिबल नहीं है, तो पहले हम 2 से कर देते हैं, 2 6 जा 12, ये एज इट इज रहेंगे दोनों नंबर्स, फिर 2 से जा रहा है 6, 2 3 जा 6, ये दोनों नंबर्स एज इट इज रहेंगे, फिर 3 से जा रहा है तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, अब ये 5 से डिविजिबल है, 5 1 जा 5, 7 एज इट इज, फिर 7 से डिविजिबल है, 7 1 जा 7। अब हमारे पास एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब यहाँ पे हम देखें 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, यहाँ पे 20 है, और 7 3 जा 21, 21 2 जा कितना होता है 42, 42 के आगे क्या लग जाएगा 0, 4 20, यह क्या एलसीएम किसका 12, 15 और 21 का। अब हमें फाइंड करना है एचसीएफ, एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, तीनों नंबर के फैक्टर सेपरेटली निकालेंगे, पहला नंबर है 12, तो ये 2 से डिविजिबल है, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। नेक्स्ट है हमारे पास 15, 15 3 से डिविजिबल है, 3 5 जा 15, फिर ये 5 से डिविजिबल है, 5 1 जा 5। अब है हमारे पास नंबर 21, 21 3 से, 3 7 जा 21, और ये 7 से, 7 1 जा 7।
अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें फाइंड करना है, तो तीनों में हमें चेक करना पड़ेगा सेम नंबर क्या है। सेम फैक्टर देखेंगे, यहाँ टू है यहाँ टू नहीं है, यहाँ टू है यहाँ भी टू नहीं है, यहाँ थ्री है यहाँ थ्री है यहाँ थ्री है, मतलब कॉमन फैक्टर हमें मिल गया, क्या मिला थ्री। तो एच सी एफ आ गया थ्री, एल सी एफ आया 12, 15, 21 का 420, वो एच सी एफ आया थ्री। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हमारे पास क्या हो गया, एलसीएम आया है 420 और एचसीएफ आया है 3। यहाँ पे हमारा थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। सेकंड पार्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन थर्ड का सेकंड पार्ट है 17, 23, 29। अब यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो तीनों जो है वो प्राइम नंबर से, प्राइम नंबर है मतलब तीनों जो है वो खुद की टेबल से ही क्या होंगे, डिवाइड होंगे, डिविजिबल है। तीनों के फैक्टर क्या होंगे, वन और नंबर इटसेल्फ। तो यहाँ पे हम निकालते हैं सबसे पहले एलसीएम, एलसीएम ऑफ 17, 23 एंड 29। अब 17 से ही डिवाइड होगा तो बचा क्या 23 और 29, 23 से ही डिविजिबल है तो बचा क्या 29, 29 से ही डिविजिबल है तो ये आ गया। सिंपल सा था, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 23 मल्टीप्लाई 17, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, 15 16, 3 2 1 9 3, 391 आया। अब 29 से मल्टीप्लाई करेंगे, 391 into 29, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 9 3 जा 27, 27 plus 8 35, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 1 7, 9 3 8 5 13, 7 3 10 1 11। तो एलसीएम क्या आ गया तीनों नंबर्स का 11,339। अब हमें एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ में भी हमें पता है फैक्टर्स क्या होंगे, 17 जो है वो 17 से ही डिविजिबल है, 23 जो है वो 23 से ही डिविजिबल है और 29 जो है वो 29 से ही डिविजिबल है। अब यहाँ पे तीनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो क्या होगा, एचसीएफ इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 तो कॉमन है तीनों में, 1 की टेबल में तीनों नंबर्स आते हैं। तो एचसीएफ हो गया 1 और एलसीएम हो गया 11,339। यहाँ पे हमारा सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया। थर्ड पार्ट पे चलते हैं, ये हमारा थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट है 8, 9 और 25। तो इसका हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम फाइंड करेंगे हम, एलसीएम 8, 9 और 25 का, 8 तो 2 से डिविजिबल है, 2 4 जा 8, ये 9 डिविजिबल नहीं है एज इट इज, 25 एज इट इज। फिर अगेन 2 से डिविजिबल है, 4 2 2 जा 4, ये ऐसे ही लिख देंगे हम। फिर ये 2 से डिविजिबल है, 2 1 जा 2, 9 25। अब 9 जो है वो 3 से डिविजिबल है, 3 3 जा 9, 25 3 से डिवाइड नहीं होगा, फिर 3 1 जा 3, 25। फिर 25 डिविजिबल है 5 से, 5 5 जा 25, फिर अगेन 5 से, 5 1 जा 5। तो एलसीएम हम फाइंड कर लेते हैं सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करके, 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5 into 5। अब यहां हम देखें तो 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40, इतना आ रहा है 40। फिर 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16, 17, 18 और 0। तो एलसीएम हमारे पास क्या आ गया तीनों नंबर्स का 1800। अब हमें एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ फाइंड करेंगे 8 का, 9 का और 25 का, ये 2 से डिविजिबल है, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये 3 से डिविजिबल है, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 25 के फैक्टर्स क्या होंगे, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। अब यहाँ पे हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो यहाँ पर 2 है, 2 यहाँ पे नहीं है, फिर कुछ भी सेम नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे भी एलसीएम क्या हो गया इज इक्वल टू 1। तो एलसीएम हमारे पास आया 1800 और एचसीएफ आया
वन, किसका? 8, 9 और 25 का। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। आई होप कि क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। यहाँ पे हमें टू नंबर्स तो गिवन है। टू नंबर्स क्या है? टू नंबर्स है 306 एंड 657। एचसीएफ हमें गिवन है, एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स गिवन है इज इक्वल टू 9। एलसीएम ऑफ दिस टू नंबर, मतलब एलसीएम हमें फाइंड करना है। फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। फॉर्मूला क्या होता है? एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब एलसीएम तो हमें फाइंड करना है, एचसीएफ हमें गिवन है 9 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। टू नंबर्स क्या है? 306 इंटू 657। अब यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई का इसे हम डिवाइड में ले जाते हैं क्योंकि हमें एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम इज इक्वल टू 306 इंटू 657 डिवाइड बाय 9। अब यहाँ पे ये दोनों 3 से डिविजिबल है। 3 1 जा 3 0, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अगेन ये 3 से डिविजिबल है। 3 1 जा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। रिमेनिंग क्या बचा? 34 इंटू 657। मल्टीप्लाई करते हैं, 657 मल्टीप्लाई 34, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20 22, 4 6 जा 24 25 26, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 16 17, 3 6 जा 18 1 19, 8 3 13 12 1 2 1 plus 1 2, 2 2 3 3 8, मतलब 22,338। ये क्या क्या? एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। यहाँ पे हमारा एलसीएम फाइंड हो गया। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6 रेज़ टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? हमें चेक करना है कि 6 की पावर n, मतलब कि n जो है वो क्या है? नेचुरल नंबर है। 6 की पावर, यहाँ पे अगर हम नेचुरल नंबर्स पुट करते हैं तो क्या वो एंड होगा डिजिट 0 से? चेक करते हैं हम। जैसे कि 6 की पावर n है, n की जगह पे हम अगर 1 रखते हैं तो 6 होगा। 6 की पावर 2 है तो 6 का स्क्वायर 6 6 जा 36। 6 की पावर मान लेते हैं क्यूब है, मतलब 3 है, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 करेंगे तो कितना आएगा? 216 आएगा। इसका मतलब जब भी हम 6 को कितने भी टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लास्ट डिजिट क्या आ रही है? 6 आ रही है, 0 नहीं आ रही है। अगर हम देखें 0 की बात हुई है तो 0 किससे, किसकी डिविजिबिलिटी हो सकती है? 10 की हो सकती है, और 10 के अगर हम प्राइम फैक्टर देखें क्या होंगे? 2 5 जा 10 होता है। यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं 10 के प्राइम फैक्टर हो रहे हैं 2 और 5। अगर हम 6 की पावर n लेते तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 3 जा 6 पावर n। यहाँ पे 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है। इसका मतलब 6 की पावर n जो भी होगी लेकिन रिजल्ट 0 नहीं आएगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन व्हाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर्स। यह हमें शो करना है कि क्यों ये नंबर्स कंपोजिट नंबर्स हैं। अब हमने क्या पढ़ा था? प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर पढ़े थे। सबसे पहले प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जिसका फैक्टर 1 या नंबर इटसेल्फ हो, जैसे कि 5 5 जो है इसके फैक्टर्स क्या होंगे? 1 और 5। 3 3 के फैक्टर क्या होंगे? 1 और 3। ऐसे नंबर जिनके फैक्टर 1 या नंबर इटसेल्फ है वो क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स। अगर हम कंपोजिट नंबर्स की
बात करें तो कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर दो या दो से ज्यादा आते हैं, मतलब कि वन और नंबर इटसेल्फ को छोड़ के अदर फैक्टर्स होंगे तो वो क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर्स। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं ये कंपोजिट नंबर्स क्यों हैं। सबसे पहले लेते हैं हम 7 × 11 × 13 + 13। अब यहाँ पे ये प्लस का साइन है, मतलब दोनों में से हम 13 को कॉमन निकाल सकते हैं। तो 13 अगर कॉमन होगा तो यहाँ क्या बचा, 7 × 11 × यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, फिर 13 × 7 × 11 + 1, तो ये कितना हो गया 13 × 77 + 1 = 78। अब 13 × 78 के हम फैक्टर्स देख सकते हैं, 78 है तो 2 से डिविजिबल है, 2 × 3 = 6, 2 × 9 = 18। अब ये 3 से डिविजिबल है, 3 × 1 = 3, 3 = 4, तो ये 13 से डिविजिबल है। मतलब फैक्टर्स क्या है, 13 × 3 × 2, मतलब ये फैक्टर्स जो है वो मोर देन 2 है। इसका मतलब 1 जो है उसके अलावा नंबर इटसेल्फ और अदर फैक्टर्स हो तो वो क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे ये क्या दिख रहा है हमें, कंपोजिट नंबर, तो देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर। अब नेक्स्ट वाले को हम चेक करते हैं, ये क्या है, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, प्लस में 5 भी, मतलब 5 हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से क्या बचेगा, 7 × 6 × यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1, 5। अब यहाँ से हम देखते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 6 × 4 = 24, 24 × 24 = 11, 24 और 7 × 6 = 42, मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 8 = 4, 4 × 4 = 16, 2 × 4 = 4, 2 × 4 = 8, 8 × 6 = 4, 10, 8 × 1 = 9 or 1 = 10, 1008, 1008 आया, प्लस में क्या है 1, 5 × 1008 + 1 = 1009। अब यहाँ पे हम देखें तो मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए, क्यों, क्योंकि ये जो है ये प्राइम नंबर है, इसका फैक्टर क्या हो गया 1 और 1009, लेकिन मल्टीप्लाई में 5 भी तो है, मतलब मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए, तो ये भी क्या है, कंपोजिट नंबर। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। इस क्वेश्चन में हमें एक्सप्लेन करना था क्यों ये कंपोजिट नंबर है, तो समझ में आया, प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो क्या होता है, फैक्टर 1 और नंबर इटसेल्फ, लेकिन कंपोजिट नंबर ऐसा नंबर होता है जिसके फैक्टर इन दो से अलग भी आते हैं, वो क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर्स। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो लास्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। देयर इज अ सर्क्यूलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ पे हमें क्या बोल रहे हैं कि एक सर्क्यूलर पाथ है, यहाँ पे हम एक सर्कुलर पाथ बनाते हैं, ये एक सर्कुलर पाथ है जिसपे सोनिया जो है वो 18 मिनट्स ले रही है उस पूरे सर्कल को कवर करने में। हम यहाँ मान लेते हैं सोनिया यहाँ खड़ी है, यहाँ से वो चली तो उसको कितने मिनट्स लग रहे हैं, 18 मिनट्स लग रहे हैं इस सर्कल को कवर करने में, और रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, रवि जो है वो सेम पॉइंट पे ही खड़ा है लेकिन उसको इस डिस्टेंस को कवर करने में ओनली 12 मिनट्स लग रहे। क्या बोला था हमें कि सेम पॉइंट पे खड़ा है, सेम टाइम पर ये दोनों चलना स्टार्ट कर रहे हैं और सेम डायरेक्शन में ही ये ट्रेवल कर रहे हैं। अब हमें पूछा है हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब यहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि हम इसमें एलसीएम फाइंड करें कि एचसीएम फाइंड करें, तो यहाँ पे हम देखेंगे 12 और 18 मिनट से, मतलब जब फर्स्ट राउंड लिया होगा तब तो ये दोनों नहीं मिले होंगे क्योंकि सोनिया को 18 मिनट्स लगे और रवि को 12 मिनट्स लगे ट्रैवल करने में, इसका मतलब ये अगेन एंड अगेन क्या कर रहे होंगे, ट्रैवल कर रहे होंगे इस सर्कुलर पाथ पे जिसमें किसी पॉइंट पर आके ये दोनों आपस में मिले, मतलब 12 और 18 से तो ज्यादा ही नंबर आने वाला है और
ज्यादा के लिए हमेशा एलसीएम फाइंड करा जाता है, और कम अगर हमें पता चल रहा है कि कम आएगा इसका नंबर, मतलब एचसीएम फाइंड होता है। तो यहाँ पे तो हमें क्या निकालना है, एलसीएम। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सोनिया जो है उसे कितना टाइम लगा, 18 मिनट्स लगे, और रवि जो है उसे कितना टाइम लगा, 12 मिनट्स। तो हम फाइंड करेंगे एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। एलसीएम फाइंड करेंगे 18 और 12 का, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 9 का 9। फिर अब ये दोनों 3 से डिविजिबल है, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो हमारे पास फैक्टर्स क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब क्या करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 12, 12 3 जा 36। मतलब सोनिया और रवि जिस पॉइंट पर आके मिलेंगे, तो उस पॉइंट पर आने में दोनों को कितना टाइम लगेगा, 36 मिनट्स लगेंगे। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज साथ में कंप्लीट हो चुकी है। आई होप ये पूरी एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी, और इंट्रोडक्शन वीडियो में पहले ही डाल चुकी हूँ, तो उसको आप पहले विजिट कर लेना। जब भी एक्सरसाइज 1.1 पे आओ तो पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देख कर आना। आई होप ये सब आपको क्लियर हुआ होगा। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।